किस कदर गाना कैसे बजाना है इसमें सिर्फ बहुत सिंपल कॉर्ड्स है। मैं केपो के साथ पूरा लेसन बताऊंगा, तो आप देखते रहना एंड तक और आसानी से सीख जाओगे। सिर्फ 3 कॉर्ड्स हैं इसमें। मेरा नाम है लक्ष्मी मिश्रा और आप देख रहे हैं इजी गिटार लेसन्स। तो चलिए चलते हैं। तो इसमें जो कॉर्ड्स है मैं आपको पहले नॉर्मल बता देता हूँ, फिर उसके बाद केपो के साथ देखेंगे। तो जो इसका इंट्रो है तो ये इंट्रो हमें प्ले करना है, बहुत इजी है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो ये बहुत सिंपल है, मैं केपो के साथ अभी बताऊंगा आपको। और तो कैसे बजाना है ये, हम पकड़ेंगे डी माइनर का बार कॉर्ड, ठीक है? ठीक है, और तब बजाएंगे। क्या बजाया मैंने? ए स्ट्रिंग को और जी स्ट्रिंग को एक साथ दबाया, एक साथ प्लग किया मैंने। उसके बाद बी स्ट्रिंग को प्लग किया, ठीक है? उसके बाद ओपन करके बी स्ट्रिंग को दोबारा प्लग किया, तो क्या बना है ना? धीरे धीरे फिर से देखो, ए और जी स्ट्रिंग को प्लग किया और बी स्ट्रिंग को पहले दबा के फिर ओपन करके, पहला पार्ट ये है। फिर इसके थोड़ा वेट करना है हमें। फिर उसके बाद आपको पकड़ना है ए शार्प मेजर का कॉर्ड, ठीक है? बहुत इजी है बार कॉर्ड। उसके बाद बजाना है थंब से ई स्ट्रिंग को प्लग करना है, फिर शिफ्ट करना है सी मेजर पे और हमें बजाना है इंडेक्स और मिडिल फिंगर से ए स्ट्रिंग को और डी स्ट्रिंग को। तो क्या बना, ठीक है? इसके बाद पिंकी उठाओ, थोड़ा मुश्किल है, पिंकी उठाओ और इसको रखो आप यहाँ पे, देखो कहाँ पे पिंकी उठाओ, जहाँ पे आपका बार कॉर्ड लगा है ना, दिख रहा होगा आपको 10th फ्रेट पे बार कॉर्ड लगा है ना, ये पिंकी उठाओ, उसको जी स्ट्रिंग पे रखो 10th फ्रेट पे और बजाओ मिडिल फिंगर से जी स्ट्रिंग को। क्या बना, आ गया होगा? तो यही है इंट्रो, यही है, ठीक है? तो आप गाने के कॉर्ड्स के ऊपर चलते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो पीछे जाके देख सकते हो इंट्रो कैसे बजा। तो गाने के कॉर्ड्स पे चलते हैं, देखना ध्यान से। डी माइनर, डी माइनर, ए शार्प मेजर, ठीक है? तो 5 बार मैंने क्या किया, डाउन 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 डाउन, ठीक है? तो क्या क्या, तो हमने अभी तक क्या प्ले किया, एक तुझको ही बस देख कर ना 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 ना, ठीक है? ना ना ठीक है, 5 बार बजाने का आपको ये स्लाइड करना है। ये कैसे करते हैं, ये आप कहीं से भी यहाँ पे रखो और स्लोली कहीं पे भी रखो, ठीक है? स्लाइड करो, उसके बाद जो मेन लाइन है तो आप ऐसे देख लो, जुड़े जो तेरे ख्वाब से डी माइनर, तो उसमें आपको श्रम करना डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन डाउन। तो आगे चलते हैं, ये क्या कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा वेरिएशन है,
कि देखो गाने को इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना, तो आप अगर जब गा रहे हो जुड़े जो तेरे ख्वाब से, तो उस पर आप ये स्टाइल भी डाल सकते हो। मैंने काफ़ी बार इस चैनल में बता रखा है, आपने अभी तक पुराने लेसन्स नहीं देखे तो ज़रूर देखना, हार्ट बीट स्टाइल के ऊपर लेसन प्लेलिस्ट है एक फुल गिटार लेसन्स HD में, तो उसमें जाके स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हो आप। तो फिर भी दिखाता हूँ कैसे बजाते हैं, ये इसके साथ हम लोग स्ट्रम करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो पहले आप प्रैक्टिस करो ये, फिर इसके बाद ठीक है आप देख लेना इस लेसन को ध्यान से जाके पीछे। तो उसके बाद आप कॉर्ड सेम है इसके, डी माइनर ए शार्प मेजर सी मेजर ए शार्प मेजर, यही कॉर्ड्स हैं। आप पूरे गाने में जहाँ जहाँ आपको जैसा लग रहा है उस हिसाब से आप लगा दीजिए उसको, बिल्कुल अच्छा साउंड करेगा। नहीं तो आप अगर केपो यूज़ करते हो तो केपो को आप लगाओ कहाँ पे, 5th फ्रेट पे, ठीक है? तो अब आपको बजाना है ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर। क्यों? जहाँ पे डी माइनर बजा रहे थे वहाँ पे ए माइनर बजाएंगे, जहाँ पे हम लोग ए शार्प मेजर बजा रहे थे वहाँ क्या बजाएंगे, एफ मेजर, और जहाँ पे हम लोग सी मेजर बजा रहे थे वहाँ बजाएंगे जी मेजर, ठीक है? तो देखते हैं क्या काम करता है। आपको समझ आ जाएगा पूरे गाने में ऐसी है, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, एफ मेजर, ठीक है? तो इंट्रो के लिए मैं इंट्रो फिर से दिखाता हूँ, आप केपो के साथ कैसे बजाएंगे, वही सेम चीज बजाओ बट अब ए माइनर के साथ, है ना? आपको समझ आ गया होगा डी माइनर पे आपने क्या किया था, इन दोनों को प्लग किया था ए और जी स्ट्रिंग को और इसको हटा दिया था, है ना? ठीक, और सिंपल। अगर बार कॉर्ड सबको नहीं प्ले करना था तो उसके लिए एक और लेसन है, आप देख सकते हो। और अगर आपको कोई धुन अगर निकालना है सिर्फ कान से सुन के, या फिर कोई भी सॉन्ग प्ले करना है, उसके लिए भी एक लेसन है, आप नीचे देख सकते हो इस चैनल में। तो अगर आपको अच्छा लगा तो बताना मुझे कमेंट्स में, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे इस चैनल से। और कोई भी गाना है आप मुझे बता सकते हो, आई विल बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू, एंड टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।